में दारोगा बहाली की परीक्षा को लेकर बीपीएससी की ओर से व्यापक तैयारी की गई थी। पेपर लीक की बात सामने आ रही है। परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर कई अभ्यर्थी नकल करते पकड़े गए। बीपीएससी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं। सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सवाल सरकार से है, उनकी व्यवस्थाओं से है, क्योंकि इससे बिहार की बदनामी होती है, उस परीक्षा की बदनामी हो रही है जो पुलिस से जुड़ी हुई है। और अगर पुलिस वाली परीक्षा आप सही तरीके से नहीं ले पाएंगे, पुलिस वाली परीक्षा में अगर चोरी हो जाए तो फिर कोई परीक्षा सुरक्षित नहीं है। बार बार इसे कैंसिल करना होगा। बीपीएससी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं। सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सवाल सरकार से है, उनकी व्यवस्थाओं से है, क्योंकि इससे बिहार की बदनामी होती है, उस परीक्षा की बदनामी हो रही है जो पुलिस से जुड़ी हुई है। और अगर पुलिस वाली परीक्षा आप सही तरीके से नहीं ले पाएंगे, पुलिस वाली परीक्षा में अगर चोरी हो जाए तो फिर कोई परीक्षा सुरक्षित नहीं है। बार बार इसे कैंसिल करना होगा। कई ऐसे एग्जामिनी जो थे वो एडिटिंग करते हुए पकड़े गए हैं और उस पर अब जांच आगे बढ़ेगी। जो बीपीएससी है वो इस पूरे मामले की जांच करेगा। लगातार सीसीटीवी कैमरे हमने कुछ केसेस निकाल के बीपीएससी के लोगों को हमने ये दिए हैं, जो हमारे कुछ चीटिंग केसेस थे, पर्सनेशन के केसेस थे, और वो अब वो इंटरनली वो उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और प्लस उसके बाद में रिकॉर्डिंग भी सबमिट करेंगे इस चीज के। तो केवल 3 अभ्यर्थी, अरवल जिला में 2 और हाजीपुर में 1 अभ्यर्थी को चीटिंग करते हुए, आपस में बात करते हुए, नकल करते हुए पकड़ा गया, उनको निष्कासित कर दिया गया। आयोग के अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी के एस द्विवेदी ने कहा कि 3 अभ्यर्थियों द्वारा ओएमआर शीट ले जाने के साथ ही अरवल में 2 अभ्यर्थियों द्वारा और हाजीपुर में 1 अभ्यर्थी द्वारा कदाचार में संलिप्तता की बात सामने आई है, जिस पर आयोग फिलहाल एक्शन ले रहा है। क्या चीज का एग्जामिनेशन ठीक से जांच कर रहा है। मुखर राजा जी जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का 1 घंटा के बाद कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा। वो जैसे ही हमने देखा तब तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए, तो दिख रहा। तो आखिर ये क्वेश्चन बाहर आया, कैसे क्वेश्चन तो बाहर आया है, क्लियर हुए। आर्थिक अपराध अधिकारी को मैंने दिया है, दोनों शिफ्ट का टोटल पेपर मिला है भाई। दोनों शिफ्ट का पेपर होने के बाद अभी हल्ला हो रहा है कि पेपर वायरल था, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर दिया गया था और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर था, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, 1-2 नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मैच करे। कितना ये दोनों का ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर था, ओरिजिनल क्वेश्चन कब हर शाम को तो 5 बजे के बाद पता चला। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर वायरल नहीं भी हुआ है तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ माननीय केस द्विवेदी साहब से, आयोग से क्वेश्चन बाहर नहीं आया है, ये क्वेश्चन आया है स्कूल और कॉलेज से, क्योंकि स्कूल होम सेंटर देने में और स्कूल और कॉलेज का जहाँ भी होम सेंटर था वहीं से किसी चपरासी ने या क्लर्क ने या प्रिंसिपल ने या मास्टर ने इसको निकलवाया है, कुल गलत दिशा में ये जा रहा है। हेलो, तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा जैसे ही संपन्न हुआ लगातार उसमें गड़बड़ियों की अपडेट मिल रही है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो दरोगा परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल, परीक्षार्थी बोले यही प्रश्न पूछे गए थे। कहीं ना कहीं अब अपडेट मिल रही है कि इस पर जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जल्द ही आप लोगों को बड़ी कुछ अपडेट मिल सकता है। दोनों शिफ्टों के प्रश्न पत्र और आंसर को परीक्षार्थी ने सही बताया, फर्जीवाड़ा की अपडेट मिल रही है। और बड़ी बात यह भी है कि लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा इस पर आक्रोश भी जताया जा रहा है, उनका कहना है कि परीक्षा को रद्द करके एक बार पुनः परीक्षा कराई जाए। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? क्या आपको भी लगता है कि परीक्षा में धांधली हुआ है, परीक्षा पेपर लीक हुआ है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। पूरी संभावना है कि जिस तरीके से अब इस मुद्दे पर जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है, परीक्षा पुनः कराया जा सकता है। जैसे ही इन सभी से जुड़ी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।